इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त में जो वबा करोना वायरस के नाम से फैली हुई है, ये इस वक्त में बहुत ही ख़तरनाक वबा है, जिसमें आए दिन लोगों की तादाद मुतासरीन की भी और अमवात की भी बढ़ती चली जा रही है, और जिसके सबब मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर में, शहर बेलगाम में और पूरे हिंदुस्तान में कई जगह इन हजरात की फ़िक्र की जा रही है, और बड़ी मुबारकबादी की बात यह है कि शहर बेलगाम में हमारे मुजम्मिल डोनी साहब, इनकी तरफ से भी तकरीबन 400 से ज़्यादा किट तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15 दिन का राशन है जो मुस्तहकीन और ज़रूरतमंद हजरात तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप हजरात से एक दरख्वास्त है कि ख़ुद भी फ़िक्र फरमाएं, और ये जो मुज़ाकरा है या किसी की तरफ से देने का जो ऐलान है, इसमें इस बात का लिहाज रखा जा रहा है कि ताकि अहले खैर हजरात भी वो अपने तरफ से देने वाले बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा, अम्मा बाद। قال الله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صدق الله العظيم وصدق رسوله الامين। نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سوئے اور اس کا پڑوس بھوکا رہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو مسلمان کہنے سے منع کیا۔ مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، اپنے پڑوس کی، अपने मोहल्ले की और अपनी ताकत के एतबार से जहाँ तक वो कर सकता है उनकी फ़िक्र करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे मुजम्मिल डोनी साहब को कि उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से, इसमें उन्होंने न किसी इदारे की मदद ली और न किसी और शख्स की, बल्कि बज़ाते ख़ुद उन्होंने अपनी तरफ से तकरीबन 450 पैकेट्स अपने वार्ड नंबर 35 में जो गरीब रोज़मर्रा कमा कर रहने वाले हैं उनके लिए उन्होंने तैयार किया है। और इनका यह तैयार करना सिर्फ इसलिए है ताकि हम हुकूमत की तरफ से जो हमारे ऊपर पाबंदी आयद की है कि टोटली लॉकडाउन रहें, हम घर के अंदर रहें, वो इसलिए कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप पैकेट लेने के बाद भी घर के बाहर निकलें, घूमें फिरें। ये जो कुछ भी किया जा रहा है हमारी भलाई के लिए किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुजम्मिल डोनी साहब कारपोरेटर को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जैसा वार्ड में इम्प्रूवमेंट का काम किया, इसी तरह से ये तो पॉलिटिक्स अलग बात है, और यहाँ पे जो इन्होंने काम किया है, ये गरीब के काम आना और ये अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा काम है। ये इबादत से जो है कि नहीं, इबादत से भी बढ़ के शुमार होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सारे मुल्क में हालात नासाजगार गुज़र रहे हैं, इसलिए हम तमाम हर कौम के लोगों को, जवान बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, भाई बहनों को, सबको इस एहतियात से बरतना है कि हम अपने अपने घरों के अंदर अपना वक्त गुजारें। लिहाजा तमाम से ये अपील की जाती है कि इस पर अमल करने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ आज
एक बहुत अहम कदम हमारे 35 वार्ड के कॉरपोरेटर मुजम्मिल डोनी साहब, जो गरीब बेवा यतीम मिस्कीन हैं, ये वार्ड नंबर 35 के जितने भी खंजर गली मोहल्ला है, दरबार गली मोहल्ला है, चिराग नगर है और चांदू गली मोहल्ला है, यहाँ पर रहने वाले जो गरीब बेवा यतीम मिस्कीन जो रोज़ कमाकर खाने वाले ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद है, तो इनकी मदद के लिए, इनके एक रोज़गार के लिए, एक इनके घरों का चलाने के लिए ये अपनी इनफरादी खुद के तरफ से किसी का चंदा या किसी की मदद न लेते हुए करीब करीब 4 से 4.5 लाख रुपए अपने जेब से खर्च करके इन गोर गरीब लोगों की खिदमत में एक पैकेट्स या किट्स इसको बनाकर जो ज़िंदगी की रोज़ मुहैया की जो साजो सामान जो घर में उनके बनता है उस चीज़ को बनाकर वो हर एक घर को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वार्ड नंबर 35 के कॉरपोरेटर जनाब मुजम्मिल डोनी साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया है, पहले तो मैं उनका शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि इनके वार्ड में जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हर रोज़ कमा के खाकर चलाने वाले ऐसे बहुत से फैमिलीज़ हैं, तो इनकी ज़िम्मेदारी इन्होंने निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का ख्याल रखा जाए। अगर हर वार्ड में जो भी कॉरपोरेटर्स हैं, जैसा मुजम्मिल साहब ने जो सोचा है वार्ड के लोगों के लिए, तो मैं सभी कॉरपोरेटर से ये गुजारिश करता हूँ कि मुजम्मिल साहब का जो काम है वो देखकर वो भी अपने वार्ड में इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि आज जो गरीब से ज़्यादा रोज़ कमा के खाने वाले लोग परेशान हैं, गरीबों को तो बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन मुजम्मिल साहब ने ये प्लान किया कि अपने वार्ड में जो रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग, जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, गौंडी काम करने वाले हैं, कारपेंटर है, क्योंकि उनके अभी काम ही बंद हुए तो वो खाने वाले कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर के 35 के जितने भी लोग हैं, जैसा कि चिराग नगर, चांदू गली, चंबरवाड़ा और खंजर गली, भंडारशाह गली, दरबार गली, जितने भी मेरे भाई जो मेरे वार्ड में है, उनके लिए मैं एक पैकेज का इंतज़ाम किया हूँ। किस लिए? इसलिए कि अभी सब जैसा बोले हमारे पापा भी बोले कि पूरे कामकाज लोगों के बंद हो चुके हैं, तो खाने वाले क्या, और ये पैकेज आप तक पहुँचाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप घरों से बाहर मत निकले, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर सर्कल पे वो बच्चे बाहर आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। पुलिस जो काम कर रही है हमारे बेहतरी के लिए कर रही है, इसलिए नहीं कि हमें डराना। और ये जो कोरोना जो बीमारी है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इससे बचाने के लिए, इससे दूर रहने के लिए मेरी वार्ड नंबर 35 के लोगों से और बेलगाम के जितने भी शहर में जितने भी लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बाहर ना निकले। इसलिए बाहर ना निकले कि आप बाहर निकलेंगे और क्या मालूम कि किसकी बीमारी आपको लगेंगे, और घर को जाने के बाद वो बीमारी आपके मासूम बच्चों को ना लगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जितने भी मेरे वार्ड में लोग हैं और जितने बेलगाम शहर के जितने भी वासी हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि घर के बाहर ना निकले। लेकिन ये पहुंचाने का काम, पैकेज बनाने का काम मेरे खंजर गली के भाई और भी जितने भी लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिए मुझे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये पहुँचाने के अंदर भी वो लोग, जैसे चिराग नगर है, चांदू गली है, काकती बेस है, फिर खंजर गली है, भंडारशाह गली है, वार्ड में जितने भी मेरे लोग हैं, ये लोग मुझे उनके लिस्ट काट के दे रहे हैं और पहुंचाने में मेरी मदद कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ के जमातें भी काम कर रहे हैं। मैं जमात और वहाँ की यन कमेटी इदारा और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह इस परेशानी का हल ज़रूर काढ़ेंगे।